तो दोस्तों आज हमारे पास एक फोन है, यहाँ पे टैब है और इसमें जो है एफ आर पी लॉक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एफ आर पी लॉक है ये, तो इसे हमें अनलॉक करना। कैसे अनलॉक करेंगे गाइस? सबसे पहले हमें सी पी यू टाइप देखना होता है, सी पी यू टाइप क्या है। तो इसका जो मॉडल है मैं आपको दिखा दूँ, इस मॉडल का सी पी यू टाइप आप कैसे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पर डालते हैं इसका मॉडल जो हमें यहाँ पीछे भी लिखा हुआ है, टी वी 7304। ठीक है, अब डालते हैं सी पी यू टाइप। तो गाइस जैसे ही हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे, और ये देखो सबसे पहली वेबसाइट जी एस एम अरेना आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा मीडिया टैग है, तो ये सी चिप सेट आप देखेंगे तो मीडिया टैग दिखा रहा है। ठीक है, मीडिया टैग का ये मॉडल है। अब इसे अनलॉक करना है, कैसे अनलॉक करेंगे गाइस? आपके पास कोई भी टूल हो सकता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे यूएमटी है, तो मैं यूएमटी को ओपन करूँगा। गाइस आप अनलॉक टूल से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही सिंपल होता है, बट यूएमटी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कोई बात नहीं, आज हम यूएमटी से करना बताएंगे आपको किस तरह से यूएमटी से करना है। मैंने इसे पावर ऑफ कर दिया है, अब मैं आपको बताऊँ। देखो थोड़ा सा वेट करते हैं हमारा यूएमटी जब तक ओपन होता है। फ्रेंड्स हमारा यू एम टी जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एग्री ओके करना है, और इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखो रीसेट एफ आर पी पे ओके करना है सिर्फ और सिर्फ, और एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो इसके वॉल्यूम प्लस और माइनस दबा के हम डाटा केबल कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने डाटा केबल कनेक्ट किया, और वहाँ पर आप देखो हमारे जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी जो मेमोरी वगैरह है, स्टोरेज टाइप वगैरह भी सारा दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग पार्टीशन हो चुका है, लेनोवो का मॉडल भी आ चुका है, सीपीयू टाइप भी आ चुका है, और यहाँ पे स्टोरेज वगैरह मेरे ख्याल से हाँ ये दिखा दिया है, 8 GB की इसमें रोम है। और ये हमारी जो एफ आर पी वो ओके हो चुकी है, डन। तो हमारा जो फ़ोन है वो अब शायद ऑन भी हो जाए अपने आप, तो चेक करते हैं। बहुत सी बार ऑन नहीं होता है, तो कोई नहीं, आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं इसकी एफ आर पी जो वो नील होती है नहीं होती है, क्योंकि यू एम टी पे तो हमारी हो चुकी है, तो 100% है कि हो जाएगी हमारी एफ आर पी। गाइस इस तरह से जो मेथड ये वाला है, इस तरह से आप मीडिया टैग का कोई भी फ़ोन, ज़रूरी नहीं है कि वीवो हो, ओप्पो हो, एम आई, मीडिया टैग का कोई भी E2Z कोई भी फ़ोन जिसमें मीडिया टैग का चिपसेट लगा हुआ है और वो यू एम टी में सपोर्टेड है। तो अगर वीवो के बहुत से मॉडल हैं जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो गाइस कोई बात नहीं, आप ट्राई करके देखें, बट मीडिया टैग में जितने भी मॉडल हैं वो इस तरह से ही आपको करने हैं। ठीक है, मीडिया टैग का जितनी भी एफ आर पी आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, मीडिया टैग में कोई भी हो सकता है MTK में। तो गाइस यहाँ पे अभी देखते हैं, पहले इसका वाईफाई बंद करते हैं, इसका वाईफाई मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो एक बार वाईफाई बंद कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ से डोंट यूज एनी वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, कंटिन्यू। ये ऑप्शन जब आ जाएगा तो आपकी एफ आर पी समझो होगी। ठीक है, ये ऑप्शन जब भी आता है जब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती इसकी, तो यहाँ पे नोट ना हो इसकी पैनी भी, और यहाँ पे स्किप कर देंगे, मोर एक्सेप्ट नो। अब यहाँ पे सेटअप लेटर फिनिश। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो चुका है। आप इस तरीके से किसी भी फ़ोन का एफ आर पी जो है मीडिया टैग का मैंने आपको बताया कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो इसका जो एंड्रॉयड वर्जन ये है, मॉडल मैंने जो आपको बताया था, ये देखो इसका मॉडल पीछे भी लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप पीछे देखें, और मीडिया टैग का ये 1 GB रैम में है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे पता नहीं हो रहा।